आज मैं लेके आया हूँ कोरल ड्रॉ का लॉगिन विंडोज कैसे बंद कर सकते हैं, मतलब कैसे डिसेबल करें परमानेंटली। तो ये है मेरे पास कोरल ड्रॉ 2019 64 बिट का। अगर आपके पास 2019 का वर्जन है और लॉगिन विंडोज से परेशान है तो चलो मैं आज उसका ट्रिक दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको चेक करना है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और कितने बिट का है। तो ये डिस पीसी पे राइट क्लिक कीजिए, वहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाइएगा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज 10 है। तो मेरे केस में मैं जाऊँगा डिस पीसी में, उसके बाद सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद मेरे पास 64 बिट है तो यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स करके फोल्डर है, उसके अंदर जाना है। अगर आपके पास 32 बिट का है सॉफ्टवेयर तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना है x86 में। कोरल ड्रॉ की बात कर रहे हैं हम, जो कोरल ड्रॉ का ही फोल्डर देखना है आपको कौन से फोल्डर के अंदर है। अगर 64 बिट है तो प्रोग्राम फाइल्स में रहेगा, 32 बिट है तो प्रोग्राम फाइल्स x86 में होगा। तो मेरे पास 64 बिट है तो मैं जाऊंगा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, उसके बाद कोरल करके फोल्डर है वो ओपन कीजिए, उसके बाद है ऑप्शन पास एम यूटिलिटी करके फोल्डर है वो ओपन कीजिए, उसके बाद आता है वर्जन 1 फोल्डर, वो ओपन करने के बाद यहाँ पे पास एम यूटिलिटी डॉट डी एल एल फाइल है, इसको क्या करना है आपको रीनेम करके रख देना है या तो डिलीट कर देना है। अगर आप डिलीट करते हो और मेरा फाइल आपके सॉफ्टवेयर के साथ मैच नहीं हुआ तो आपको परेशानी होगी, तो उससे अच्छा आप डिलीट करने से अच्छा आप रीनेम कर लीजिए, जैसे कि मैंने किया है ओल्ड अंडरस्कोर पास एम यूटिलिटी डॉट डी एल एल, ठीक है। उसके बाद आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए, मेरे पास डी एल एल फाइल है। ये कॉपी करने के बाद यहाँ पे ओरिजिनल लोकेशन में रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस आपने समझो आपने रीनेम कर दिया है तो रिप्लेस का ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। मेरे केस में मैंने कॉपी और पेस्ट कर दिया है, उसके लिए वो रिप्लेस करने का ऑप्शन आएगा तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ, इसको कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद हम लोग कोरल ड्रॉ ओपन करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन मैंने रखा हुआ था वो मैंने बंद कर दिया, जिसकी वजह से पूरा स्क्रीन ब्लैंक होके चालू ना हो, नहीं तो सब लोग सोचेंगे कि मैंने स्क्रीन वहाँ पे पॉज कर दिया। तो उसके बाद ये मैं कोरल ड्रॉ ओपन करूँगा, यहाँ पे देखते हैं अभी आता है कि नहीं आता है। ये लो दोस्तों, हो गया सॉल्यूशन। ऐसे ही ट्रिक्स और टेक्निकल वीडियो के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए। और कुछ भी आपका प्रॉब्लम हो कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन करने का पूरा ट्राई करेंगे और उसका वीडियो बना के अपलोड भी करेंगे।